नमस्कार दर्शकों, चुनावी वेला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 6 में, लेकिन हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 4 से जो खड़े हैं उम्मीदवार दीप बजाज जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनको चुनाव चिन्ह जो है वो क्या मिला है और लोगों का जिसे प्रचार प्रसार के दौरान जो है कैसा सहयोग है। नमस्कार सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? वार्ड नंबर 4 से मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी है। अच्छा, आप जब प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं तो लोगों का कैसा सहयोग है? लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। स्मूथली हमें दूसरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कहीं मिल नहीं रहा है। तो इस बार जो 11 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने 11 प्रत्याशी दिए हैं, उन सबकी बढ़त निश्चित है। तो वो 11 लोग जीत के आएंगे। इस बार आपको चंबा होगा कि कांग्रेस का कोई भी आदमी जीत के नहीं आएगा, सारे के सारे बीजेपी के जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद बनाएंगे। पिछले दिन मैंने वार्ड नंबर 4 का दौरा किया था। उस दौरे में लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत उत्साह है। एक कार्यकर्ता भी इस काम में लगा है और घर से चाहे वो औरतें हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी का रुझान इस तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन है। वो उसका सिर्फ निशान जानना चाहते हैं और किसी से पूछा भी जाए कि वार्ड नंबर 6 में क्या निशान है, चुनाव निशान है, तो वो ताला चाबी की बात करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो 6 नंबर से कैंडिडेट का ताला चाबी है। वार्ड नंबर 4 में पूछा जाए यहाँ पर कौन चुनाव लड़ रहा है, तो उनका ये कहना है यहाँ कुर्सी वाला लड़ रहा है। तो बड़ा अच्छा रुझान कर रहा है, लोग हमारे साथ चले हैं काफ़ी, और कोरोना का डर है फिर भी लोग उनको जो चलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कम से कम लोग रहें, 2, 3, 4, 5 से संख्या हम बढ़ने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार कल 4 नंबर का ऐसा था, आज मैं 6 नंबर से शुरू किया, हमने क्वाला वार्ड कर लिया है। बड़ा अच्छा रुझान है, ऐसा लग रहा है सभी लोग वोट जो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद को लोग पिछले 40 वर्ष से देख रहे हैं। हमीरपुर शहर में कभी जो नगर परिषद कांग्रेस की नहीं बनी, आज तक भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद रही है और ये बहुत हमारे शहर का विकास हुआ है, ये सब हमारी पार्टी की वजह से है। तो 6 नंबर में मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको वोट कहाँ से मिल पाएंगे। ये तो 10 तारीख को पता लगेगा जब गिनेंगे उनको कितने वोट हैं, 10 वोट हैं, 5 हैं, हो सकता है 2-3 वोटों वाले कैंडिडेट भी यहाँ से उतरे हों आए, लेकिन हमारे कैंडिडेट को 90% वोट मिलेंगे, भारी बहुमत से जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से। ओके सर, तो आप हमें ये बताइए जैसे प्रचार प्रसार के दौरान जो है लोग क्या क्या समस्याएं जो हैं आप किस समक्ष रख रहे हैं? नगर परिषद के 2-3 काम होते हैं, गलियां पक्की करना, सफाई व्यवस्था या लाइट का। हमारे शहर में 2-3 काम होते हैं। नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की रही है इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, सारे के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन विकास की गति रुकती नहीं है, विकास बढ़ता है। कि इसमें हमने इन गलियों में बजरी बिछाई थी, उसके बाद हमने इस पर टायरें लगवाई और डेवलपमेंट हो रही है, पता नहीं इसके बाद हम क्या करेंगे। तो डेवलपमेंट रुकती नहीं है, वो जो भी है वो हम करते रहेंगे। कि जिसमें इस वार्ड में 10-12 लाइटें होती है, मैं 1986 में पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें यहाँ पर 10-12 लाइट बल्ब लगे होते हैं, आज यहाँ हजारों की संख्या में ट्यूब लगी है। तो मैं तो पिछले 35 वर्ष से मैं 6 बार इलेक्शन जीता हूँ, ये मेरा 7वां इलेक्शन है। तो मैंने देखा है कि यहाँ जितनी डेवलपमेंट हुई है बहुत ज़्यादा, 6वां वार्ड बहुत बढ़िया वार्ड है हमारा, ये शहर का हार्ट है, दिल है, सेंटर इसको शहर बोलते हैं, जो वार्ड में 6 वार्ड शुरू हुआ वहाँ खत्म हुआ, इस सेंटर में है। यहाँ पर दूसरी कोई व्यस्त अब जगह की बहुत कमी है, अगर हम पार्क की बात करें कहाँ बनाएंगे, हमारे पास जगह कोई नहीं है। जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ हमने नालियाँ गलियाँ वगैरह सारी कुछ बना दी है। तो यहाँ पर समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी कोई आदमी बताएंगे तो हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीत के जाएगा, अपनी नगर परिषद की बनेगी, उस समस्या को एकदम दूर कर दिया जाएगा। अच्छा सर, आप क्या प्राथमिकताएं लेके जो है वो चल रही हैं? अब इस बार में कुछ समस्या तो है नहीं, लेकिन उसके बाद लोगों से मिलेंगे, कोई सभी कामों को हम प्राथमिकता ही देंगे, जो भी कोई बोलेगा उस काम को हम जल्दी करेंगे, हमारे लिए सभी काम में प्राथमिकता ही रहेगी। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 4 से दीप बजाज जी, जिन्होंने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो कुर्सी है और जो लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उनको प्राथमिकता के साथ जो है ये पूरा करेंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 4 से दीप कुमार बजाज जी।